स्टार्ट करते हैं यूजिंग अ लूप टू प्रोसेस एन एरे। ठीक है, बेसिकली मैं एक प्रोग्राम आपको करके दिखाऊंगा जिसमें मैं लूप को यूज़ करूंगा टू प्रोसेस एन एरे आइटम। ठीक है ना, मतलब मेरा लूप हर एक एरे आइटम पे अल्टरेट करके देखेगा। तो लग से मैंने प्रोग्राम इसका लिए बनाया हुआ है जिसमें हाँ आपको लगे कि यस यूज अ लूप इज़ यूजिंग टू प्रोसेस एन एरे, वी आर एक्चुअली यूजिंग अ लूप टू प्रोसेस एन एरे। सो लेट से ये मेरी आईडी है, इसके अंदर मैं तीन चार वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं लेट से ले लिया इंटीजर एन। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट से एक एरे मैं लूँगा, जैसे मेरे एरे का नाम है, ठीक है, और इसको मैंने इनिशियलाइज करा दूँगा। लेट से कुछ वैल्यू से 90 डाल दी, 89 डाल दी, 12 डाल दिया या 13 डाल दिया। ठीक है, ये मेरा एरे होगा, इसको मैं पॉपुलेट करा दूँगा इन सारी फील्ड से। अब मैं करूँगा, मैं इनका सम दिखाऊँगा। सम कैसे, लेट से यूज़र से मैं बोलूँगा कि भाई तू एरे के एलिमेंट्स डाल, वो कुछ भी डाल देगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसको सम दिखाऊँगा, मतलब 90 प्लस 89 प्लस 12 प्लस 13, इसको मैं ऐसा सम करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो होना क्या करेगा, मेरे को हर एक लूप से मैं हर एक एलिमेंट का आइटरेट करूँगा। तो भाई मेरे को 90 पे भी जाना है, 89 पे भी जाना है, 12 पे भी जाना है और 13 पे भी जाना है। लेट से देखते हैं प्रोग्राम होगा कैसे। इतना समझ में आया, मैंने एक एन वेरिएबल अभी ले लिया। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया, लेट से मैं इसमें यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। तो मैं इंपोर्ट कराऊँगा क्लास, ये तो अब याद हो गया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो लेट सो ये नहीं करते, स्टार से करके देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मतलब मैंने अपने प्रोग्राम में सारी ही यूटिल की जितनी भी फंक्शनैलिटी है सारी इनहेरिट करा ली। ठीक है, सो नाउ इसके अंदर वो होती है यार, एक तो होती है आपकी स्कैनर होती है। ठीक है ना, आपको दिखाई देता हूँ, जैसे ही आप लेकर जाओगे ना यूटिल डॉट लिखोगे, ये सारी होती है, ये सारी इसके अंदर मैंने इनहेरिट करा दी। करके देखेंगे भी यूज में से ना, ट्रीज से हम कर ही लेंगे। तो लेट से अभी मैं करता हूँ सिर्फ स्टार और एंटर। बेसिकली मैं करता क्या हूँ, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर इज इक्वल टू मी सिस्टम डॉट इन। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इन, जो मेरा यूजर से आउटपुट इन आउटपुट लेगा। ठीक है, इनपुट लेगा, सॉरी, जो यूजर से इनपुट लेगा, कौन सा इनपुट लेगा, इन। ठीक है, लेट से अब मैं एक लाइन लिख देता हूँ, सिस्टम लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एंटर नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स, कि मतलब कितने एलिमेंट्स आप एरे के अंदर एंटर कराना चाहते हो। भाई यूजर से पूछा कि तू अपने एरे का साइज बता, भाई मतलब तू कितने एलिमेंट्स एंटर कर सको, तो क्या लाइन लिखी, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यूजर डाल देगा 1 2 3 जो भी इसके अंदर डाल देगा। ठीक है, वो अब यूज़र डालेगा किस में, मेरे इस इन वाले ऑब्जेक्ट में जिसके साथ मैंने स्कैनर लगाया हुआ है। ठीक है, तो लेट से एक n इज इक्वल टू, मैं क्या कर लूँगा, इन डॉट, किस टाइप का मैं एरे ले रहा हूँ अभी, लेट से अभी मैं इंटीजर टाइप का एरे ले रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी यूज़र डालेगा वो मेरे इस n में आ जाएगा, तो मैं n तक अपना लूप चला लेता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे। अभी मैंने कोई वो वाला वेरिएबल नहीं बनाया, एरे वेरिएबल, तो लेट से एक एरे वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, और उसका नाम दे देता हूँ एरे, और इसको मैं कर देता हूँ किससे इनिशियलाइज, इज इक्वल टू न्यू इंट। अभी मेरे को ये न्यू इंट किस लिए करना पड़ा, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई यूज़र क्या डाल सकता है। यूज़र जो मर्जी डाले मेरा एरे उतने तक का बन जाएगा। ठीक है, यूज़र जितना मर्जी एरे डाल देगा मेरा एरे उतने तक का बन जाएगा। अगर आपको साइज स्पेसिफिक है तो आपको न्यू इंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर साइज स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, पर अभी मेरे को स्पेसिफाई नहीं पता साइज़ क्या है, रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैं एक ऑनलाइन लिख लेता हूँ, लेट से अब यहाँ पर डाल देगा नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसके बाद फिर मैं डाल देता हूँ कि भाई एरे के एलिमेंट्स अब तू डाल, डालता हूँ भाई एंटर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तू डाल दो। अगर आपको यूज़र को दिखाना है कितने एलिमेंट्स डालना चाहते हो तो आप कंकेटिनेशन कर सकते हो। कैसे, लेट से मैं इसको यहाँ पर कंकेटिनेट करता हूँ, प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा मेरा एन प्लस, स्पेस देता हूँ ऐसे, फिर एंटर इतने एलिमेंट्स लिखे हुए आ जाएंगे, ताकि यूजर को पता लगे कि हाँ उसको इतने एलिमेंट्स डाल दूंगा। ठीक है, तो नाउ अब मेरे को क्या करना है, अपना लूप चला, मैं इसके अंदर डाल दूंगा, दिखा दूंगा मैं
एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको लगता है कि यार यहाँ पर है ना अगर कैरेक्टर की वैल्यू आनी चाहिए, इसको ये एन टोकन मिलेगा नहीं। यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है कि आपकी है ना एक इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, एक तो इसका ये भी इशू है, और एक और इसका एरर वो पढ़ेंगे ट्राई कैच में। ट्राई कैच में ना हमें एग्जैक्ट एरर दे देगा कि एरर क्या चाहता है। ठीक है ना, यूजिंग ट्राई कैच आप कोई सा भी एरर पता लगा सकते हो कि आपको कौन सी मतलब एरर आ क्यों रहा है, इसका मतलब लाइन डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। नहीं कैरेक्टर टाइप लोगे तो फिर कैसे होगा एरे, तो कैरेक्टर लोगे तो फिर इंटीजर एरे नहीं होगा, फिर तो कैरेक्टर एरे होगा। ठीक है, लेट्स से अब मैं चलाऊंगा अपना लूप, लेट्स से वेरिएबल एलिमेंट आई, इसको मैं इनिशियलाइज कैसे करता हूँ 0 से, और आई मेरा कब तक चले, जब तक मेरा एम तक चले। ठीक है, आई प्लस प्लस, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अभी मेरा लूप क्या करेगा, हर एक एरे के इंडेक्स पे आइटरेट करेगा और उसको प्लस करके देगा। ठीक है, अभी आइटरेट कैसे करेगा, अभी तो लेट से मैं वो एलिमेंट्स एंटर करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं एलिमेंट्स एंटर करा रहा हूँ, तो लेट से यहाँ पर एक स्कैनर ले लेता हूँ, किसके नाम से ले लूँ, इनके नाम से तो मैंने ऊपर ले लिया, स्कैनर तो मैं बन चुका हूँ। स्कैनर का ऑब्जेक्ट को बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ। ठीक है, अभी मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन डॉट नेक्स्ट फील्ड, और इन डॉट नेक्स्ट फील्ड के अंदर पॉपुलेट करता रहेगा एरे ऑफ आई को, पॉपुलेट करता रहेगा मतलब एरे का आई का 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये नेक्स्ट फील्ड इसके अंदर अंदर अपनी वैल्यू डालती रहेगी। इतना काम हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसका सम। ठीक है भाई, चलो एरे एलिमेंट्स को आगे, पर अब मेरे को उनका सम भी निकालना है। तो लेट्स देख लेता हूँ अभी मेरा प्रोग्राम कितना हुआ है, अभी सिर्फ ये वैल्यू एंटर कराएगा, देखने में कोई एरर तो नहीं। क्लिक ऑन सेव एंड रन, एंटर एरे एलिमेंट्स, लेट से मैंने 4 एलिमेंट्स बता दिए, ये बोलेगा भाई एंटर 4 एलिमेंट्स, मैंने 12 डाल दिया, फिर 12 डाल दिया, फिर 12 डाल दिया, फिर 12। चलो ठीक है, इतना ही ले रहा है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसका सम करवाना है, सम कैसे कराएंगे लेट से देख लेते हैं। लेट्स से मैंने एरे के अंदर एलिमेंट्स एंटर करा दिए 1 2 3 4। ठीक है, मेरे को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम। ठीक है ना, और इस सम को मैं किससे प्लस कराता रहूँगा बार बार, एरे ऑफ आई के साथ। ठीक है, एरे ऑफ आई के साथ जो भी एरे के आई के एलिमेंट आ जाएगा वो सम में चला जाएगा। लेट्स से अभी 12 है, 12 आ गया सम में, फिर नेक्स्ट आइटरेट होगा 1 था भी फिर 2 मिला। ठीक है, अब सब मेरा क्या था पहले 0, फिर अब क्या हो जाएगा मेरा 1। तो लेट्स से यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करा देता हूँ, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, अगर मैं 4 के अंदर लाइन लिख दूंगा तो उतनी बार वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे देगा, इससे अच्छा मैंने 4 के बाहर लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और लेट्स से मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया क्या सम, या कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, दैट टोटल ऑफ सम इज इक्वल टू योर एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, लेट्स मैंने 3 एंटर करा, 1 2 3, सम आ गया मेरा 6। ठीक है, देखो आइटरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, लूप। ठीक है, और किस पे परफॉर्म कर रहा है, एरे। ठीक है, अब आपको समझ में हाउ यू कैन यूज अ लूप टू प्रोसेस एन एरे, इससे पहले अभी हमने वो कल भी करके देखा था स्टूडेंट का मार्क्स वाला। ठीक है,